क्लास। सो आज हम अपने इस लेक्चर में स्टडी करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, राइट। देखिए, प्लांट्स में हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। सो टुडे वी विल स्टार्ट द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, राइट। देखिए, अगर हम एनिमल्स की बात करें तो उनमें जो जितने भी कोऑर्डिनेशंस होते हैं, ठीक है, दैट आर केमिकली बेस्ड, ठीक है, और जो दूसरा टाइप होता है वो होता है नर्वस कंट्रोल, ठीक है। सो केमिकल और नर्वस में कुछ एक डिफरेंस होते हैं, ठीक है। किन कोऑर्डिनेशन या किस कंट्रोल को हम केमिकली कंट्रोल कहते हैं और किसको हम कहते हैं कि इट इज़ कंट्रोल बाय द नर्वस, राइट। सो एनिमल्स हैव केमिकल एंड नर्वस कंट्रोल, राइट। एनिमल्स में जो है दो तरह के कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन देखे जाते हैं, केमिकली एंड थ्रू द नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस, ठीक है। अब देखिए, इनमें डिफरेंस क्या होता है, आप कैसे ये जान पाएंगे कि ये जो कंट्रोल है वो केमिकली या जिसको हम हार्मोनल कंट्रोल भी कह सकते हैं, वो हार्मोनल कंट्रोल है या वो नर्वस कंट्रोल है, राइट। तो हम यहाँ पे डिफरेंस करते हैं। हार्मोनल कंट्रोल एंड नर्वस कंट्रोल, राइट। देखिए, अगर हम बात करें सिग्नल की, ठीक है, अगर हमारी बॉडी में कुछ सिग्नल्स जो है वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो वो केमिकली बेस्ड है या वो सिग्नल्स दे आर दी नर्व दे आर कंडक्टेड बाय दी नर्व इम्पल्सेस, ठीक है। हम कैसे ये जानेंगे कि जो सिग्नल्स हमारी बॉडी में मिल रहे हैं वो नर्व इम्पल्स के द्वारा किया गया है या वो केमिकली सिग्नल है, ठीक है। सो नेचर ऑफ सिग्नल, देखिए, अगर हम नेचर के बारे में बात करें, नेचर, ठीक है, तो हार्मोनल कंट्रोल जो होता है उसमें सभी जो हार्मोन्स होते हैं वो केमिकल सिग्नल होते हैं, राइट। सो ऑल हार्मोन्स आर केमिकल सिग्नल, ठीक है। अगर हम बात करें नर्वस कंट्रोल की, ठीक है, तो नर्वस कंट्रोल में जो सिग्नल्स हमें मिलते हैं वो कैसे होते हैं, तो देखिए, ये नर्वस जो कंट्रोल होता है, दीज आर रेगुलेटेड और कंट्रोल बाय द नर्व इम्पल्सेस, ठीक है। और नर्व इम्पल्सेस क्या होती हैं, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होती हैं, राइट। सो नर्व इम्पल्सेस, दीज आर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, राइट। वो क्या होती हैं, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होती हैं, ठीक है। मगर देखिए, जो सिनेप्स होती हैं, ठीक है, सिनेप्सिस में जो है वहाँ पे केमिकल सिग्नलिंग होती है। सो केमिकल सिग्नलिंग, ठीक है, दैट टेक्स प्लेस एट द सिनेप्सिस, राइट। डिफरेंस पता चला आपको, बाकी जो नर्व इम्पल्सेस होती हैं वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं, मगर जो सिनेप्सिस पे जो सिग्नल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो आर केमिकली होते हैं, वो केमिकल सिग्नल्स होते हैं, राइट। अगर हम बात करें इसकी स्पीड की, कि कौन से सिग्नल्स जो है वो हमें फास्ट हमारी बॉडी को महसूस होते हैं या वो हमें फास्ट मिलते हैं, तो देखिए, जो हार्मोनल कंट्रोल होता है ना, ये स्लो होता है, ठीक है। इसकी स्पीड जो होती है वो स्लो होती है, ठीक है। और अगर हम बात करें नर्व कंट्रोल की, जो नर्व इम्पल्सेस से जो हमें सिग्नल्स मिलते हैं वो रैपिड होते हैं, ठीक है, दे आर
rapid as compared to the hormonal control, right? अगर हम बात करें कि जो हार्मोनल कंट्रोल है और जो नर्वस कंट्रोल है उनका हमारी बॉडी के ऊपर क्या अफेक्ट पड़ता है, ठीक है, सो अफेक्ट ऑन बॉडी, राइट। हार्मोनल कंट्रोल का बेसिकली अगर देखा जाए तो उसका बहुत ही जनरल अफेक्ट होता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, क्योंकि जो हार्मोन्स होते हैं वो बॉडी पार्ट के जो सेल्स होते हैं उनको बहुत ही, मतलब ऐसा नहीं कि वो सिर्फ एक सिंगल डायरेक्शन में अफेक्ट करते हैं, राइट। सो दीज आर अफेक्टेड बाय द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। सो इसमें जो अफेक्ट होगा वो जनरल अफेक्ट होगा, राइट, क्योंकि इसमें क्या है, द हॉर्मोन्स दीज कैन इन्फ्लुएंस द सेल्स इन मैनी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, राइट। और अगर हम नर्व इम्पल्स की बात करें तो देखिए इसमें जो अफेक्ट होगा वो लोकलाइज्ड होगा, ठीक है। लोकलाइज क्यों होगा, क्योंकि देखिए ये तो जो है वो काफ़ी, मतलब डिफरेंट पार्ट्स में अफेक्ट कर रहा था ना, जो हार्मोनल कंट्रोल है इट इज़ अफेक्टिंग दिस कैन इन्फ्लुएंस सेल्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। इसका जो इफेक्ट है वो है लोकलाइज्ड, ठीक है। वो लोकलाइज्ड क्यों है, लोकलाइज्ड इफेक्ट है क्योंकि ये सिर्फ एक पर्टिकुलर मसल या सिर्फ ग्लैंड को ही अफेक्ट करता है, ठीक है। लोकलाइज्ड क्यों है, बिकॉज इट अफेक्ट्स, ठीक है, अफेक्ट्स ओनली द पर्टिकुलर मसल या हम कह सकते हैं कोई ग्लैंड, ठीक है। नर्वस कंट्रोल जो है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर मसल को या सिर्फ ग्लैंड को अफेक्ट करता है, वहीं तक पहुंचाता है, मगर जो हार्मोनल कंट्रोल है वो जनरल इफेक्ट दिखता है, वो ओवरऑल अफेक्ट करता है, क्योंकि उसमें क्या है, जो सेल्स इन्फ्लुएंस हो रहे हैं ना हार्मोनल कंट्रोल से, जो सेल्स या केमिकल सिग्नल से जो सेल्स अफेक्ट हो रही हैं वो हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पे अफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। और नर्वस कंट्रोल में वो सिर्फ एक पर्टिकुलर मसल या सिर्फ ग्लैंड को ही अफेक्ट कर रहे हैं, राइट। देखिए अगर हम इसकी बात करें ग्रोथ की, ठीक है, तो हार्मोनल कंट्रोल का जो ग्रोथ है वो क्या अफेक्ट करता है, ठीक है। देखिए हार्मोनल कंट्रोल की ग्रोथ जो है ऑब्वियसली हमारी बॉडी को अफेक्ट करती है, अगर हम इसकी बात करें ग्रोथ की, ठीक है, तो दिस कैन अफेक्ट द ग्रोथ, ठीक है। और अगर हम बात करें नर्व इम्पल्स की तो इसका हमारी ग्रोथ के ऊपर, यू नो, इट इज नॉट अफेक्टिंग अस, कैन नॉट अफेक्ट ग्रोथ, ठीक है। अब देखिए जो हार्मोनल कंट्रोल है, ठीक है, अगर जो मान लीजिए जो ग्रोथ हार्मोन है, अगर ग्रोथ हार्मोन इज़ नॉट फुली डेवलप्ड या उसकी ही ग्रोथ नहीं हुई है, तो इंडिविजुअल में वो इंडिविजुअल ग्रो कैसे करेगा, वो तो ग्रो नहीं करेगा ना, वो क्या रह जाता है, वो स्टंटेड ग्रोथ रह जाता है, छोटी। कई जो आपने देखे होंगे कि वो देखने से तो लगते हैं कि दे आर फुली मेच्योर इंडिविजुअल, मगर हम उनकी बात करें तो बहुत छोटे होते हैं ना, क्योंकि उनकी जो ग्रोथ है वो स्टंटेड ग्रोथ रहती है, वो उनकी ग्रोथ जो है वो फुली डेवलप नहीं हो पाती, ठीक है। क्यों, क्योंकि उनके अंदर जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करते हैं, वो प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें नर्वस कंट्रोल की तो इसका मतलब अफेक्ट हमारी ग्रोथ के ऊपर नहीं पड़ता है, इट डज नॉट अफेक्ट द ग्रोथ, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें कि जो हार्मोनल कंट्रोल है इसका अफेक्ट कितनी देर हमारी बॉडी पे रहता है, ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ अफेक्ट, ठीक है, तो हार्मोनल कंट्रोल का जो अफेक्ट है वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है, ठीक है, वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है, ठीक है। वैसे ऐसा नहीं कि इट बट जो इसमें एक्चुअली दोनों ही
हम कह सकते हैं कि इसमें दोनों ही केसेस होते हैं, वो कुछ शॉर्ट टर्म भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म कैसे है, अगर मान लीजिए कोई भी ऑर्गन है सॉरी अगर कोई भी हार्मोन है, ठीक है, उसकी जो प्रोडक्शन है अगर वो कंटिन्यू बढ़ती जा रही है तो वो उसका इफेक्ट जो है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, ठीक है। मगर अगर कोई हार्मोन है और उसका ग्रोथ ज़्यादा होती है बट वो कंट्रोल हो जाती है तो उसका जो इफेक्ट है वो शॉर्ट टर्म होगा, ठीक है। सो इट मे बी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग लास्टिंग, क्लियर। अगर हम बात करें नर्वस कंट्रोल की, तो नर्वस कंट्रोल का जो इफेक्ट होगा बॉडी के अंदर, ठीक है, वो शॉर्ट लिव्ड है, ठीक है, इट इज ओनली शॉर्ट लिव्ड, राइट। तो अब हम कुछ ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उनकी लोकेशन क्या है और उनके द्वारा कौन सा हार्मोन रिलीज होता है और उस हार्मोन का फंक्शन क्या होता है, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है हाइपोथैलेमस, ठीक है। देखिए जो हाइपोथैलेमस है वो कहाँ पे होता है, इट इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ द डाइसेफेलॉन, ठीक है। अगर हम इसकी पोजीशन की बात करें, ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे पोजीशन, राइट, ठीक है, ये ग्लैंड्स है, राइट। ये कहाँ होता है, दिस इज एट द बेस ऑफ डाइसेफेलॉन, DINCEPHALON, डाइसेफेलॉन, ठीक है। तो ये सिक्रीट क्या करता है, सिक्रीट्स, ठीक है, सिक्रीट्स क्या करता है और फिर उनके फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है, ये सिक्रीट क्या करता है और उनके फंक्शंस क्या होते हैं। देखिए ये क्या रिलीज करता है, ये हार्मोन्स को रिलीज करता है, ठीक है। अगर हम हाइपोथैलेमस की बात करें तो ये हार्मोन्स को रिलीज भी करता है, ठीक है, और कुछ उनमें से क्या होते हैं, कुछ एक इनहिबिटिंग हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। जो रिलीजिंग हार्मोन्स होते हैं वो स्टिमुलेट करते हैं एंटीरियर या इंटरमीडिएट पिट्यूटरी को, ठीक है, वो किसे इनिशिएट करते हैं, किसी उनको स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है, टू सिक्रीट दी हार्मोन्स। अगर हम इनहिबिटिंग हार्मोन्स की बात करें तो जो इनहिबिटरी होते हैं वो एंटीरियर या इंटरमीडिएट पिट्यूटरी को मतलब इनहिबिट करते हैं टू सिक्रीट दी हार्मोन्स, ठीक है। हार्मोन्स जो रिलीजेस करता है, ठीक है, ये स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट आप कह सकते हैं एंटीरियर या इंटरमीडिएट पिट्यूटरी, राइट, पिट्यूटरी, ठीक है, टू सीक्रेट हार्मोन्स, क्लियर। अगर हम बात करें, ये तो हो गए जो रिलीजिंग होते हैं, और सेकंड हम बात करें जो इनहिबिटिंग होता है, इनहिबिटिंग हार्मोन्स, ठीक है, ये स्टिमुलेट करता है और ये क्या करता है, ये इनहिबिट करता है, ठीक है। रिलीज हार्मोन क्या कर रहे हैं, वो स्टिमुलेट कर रहे हैं इंटीरियर या इंटरमीडिएट पिट्यूटरी को हार्मोन्स को रिलीज करने के लिए, मगर इनहिबिटिंग हार्मोन्स क्या कर रहे हैं, वो इंटीरियर या इंटरमीडिएट पिट्यूटरी को हार्मोन्स को सिक्रीट करने के लिए वो इनहिबिट कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंड आ जाता है हमारा पिट्यूटरी
पिट्यूटरी में भी आ जाता है, जो एंटीरियर लोब होता है, एंटीरियर लोब। ठीक है, अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें, सो इट इज बीनीथ द ब्रेन, बीनीथ ब्रेन। ठीक है, ये कहाँ लोकेशन होते हैं, ब्रेन के बीनीथ होते हैं। और सिक्रीट क्या कर रहे हैं, देखिए ये सिक्रीट कर रहा है FSH। ठीक है, FSH को हम कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, ये क्या है, FSH, दिस इज फॉलिकल, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH। अब इसका फंक्शन क्या है, जो FSH है, जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये क्या करता है, देखिए ये स्टिमुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस को। ठीक है, मेल्स में, राइट, वो क्या करते हैं, ग्रोथ ऑफ द ओवेरियन। और जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, देखिए स्पर्म्स का बनना, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म्स, बोथ मेल एंड द सॉरी स्पर्म्स ओनली, सिर्फ मेल्स में। ठीक है, स्टिमुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस, जो सिर्फ क्या बनाते हैं, स्पर्म्स बनाते हैं, जो कि मेल गैमेट्स होते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, जो ओवेरियन फॉलिकल होता है फीमेल्स में, उनकी ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। सो स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, और सेकंड क्या कर रहे हैं, जो ओवेरियन फॉलिकल होते हैं उनकी ग्रोथ में ये हेल्प करते हैं। ठीक है, एंड स्टिमुलेट्स द ग्रोथ ऑफ ओवेरियन, ये किस में हो रहा है, मेल में हो रहा है, इन मेल, एंड दिस फॉलिकल इन फीमेल। ठीक है, तो मेल और फीमेल दोनों में रोल प्ले कर रहा है, मेल में क्या कर रहा है, मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट कर रहा है, और फीमेल में ओवेरियन फॉलिकल की ग्रोथ को स्टिमुलेट कर रहा है। ठीक है, अब देखिए सेकंड जो हार्मोन है ये रिलीज कर रहा है, ये वो कर रहा है LH। ठीक है, LH की फुल फॉर्म होती है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का क्या फंक्शन है, देखिए जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है ना, वो क्या करता है, मेल के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन है ना, जो टेस्टोस्टेरोन होता है उसकी सिक्रीशन को इंड्यूस करता है, राइट। फर्स्ट हम कर लेते हैं इंड्यूसेस TSTOS, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन सिक्रीशन इन मेल। ठीक है, और अगर फीमेल्स की बात करें तो किसको इंड्यूस कर रहे हैं, ओवुलेशन और सिक्रीशन ऑफ द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, ओवुलेशन को, राइट, सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन को, सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन। ठीक है, और एंड प्रोग्रेस टेरोन किस में, फीमेल्स में, इन फीमेल्स, राइट। तीसरा थर्ड हार्मोन जो पिट्यूटरी का एंटीरियर लॉब जो है वो सिक्रीट करता है, वो होता है STH। STH क्या होता है, ये होता है सोमैटोट्रोफिन हार्मोन, सोमैटो ट्रोफिन हार्मोन। ठीक है, अब सोमेटोट्रोफिन हार्मोन जो है वो क्या रेगुलेट कर रहा है, उसका क्या फंक्शन है, देखिए जो सोमेटोट्रोफिन हार्मोन होता है वो रेगुलेट करता है जो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म होता है, और जो बोन्स की जो ग्रोथ होती है वो उसको रेगुलेट करता है। ठीक है, इट रेगुलेट्स प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, एंड ग्रोथ ऑफ
बोन्स, ठीक है. इट रेगुलेट्स, सोमैटोट्रोफिन रेगुलेट्स द ग्रोथ ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म एंड सॉरी रेगुलेट्स द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ ऑफ बोन्स, राइट. देखिए कुछ एक डेफिशिएंसी होती है जिससे ड्वार्फिज्म होता है ना, मैंने आपको बताया था कि अगर ग्रोथ हार्मोन प्रॉपर रिलीज नहीं होते तो ड्वार्फिज्म जो छोटी हाइट होती है वो रह हो जाती है, ठीक है. कई बार क्या होता है ड्वार्फिज्म के साथ साथ कई बार उसका ऑपोजिट हो जाता है, मतलब कुछ लोग जो है बहुत ही लंबे हो जाते हैं तो उसमें क्या होता है, वो उसमें उसका एक्सेस यू नो सिक्रेशन होता है. और किस में क्या होता है, कई बार ये एक्रोमिगैली होती है, किस में, एडल्ट्स में, राइट. सो फोर्थ हार्मोन जो ये रिलीज करते हैं वो होते हैं प्रोलैक्टिन, ठीक है. प्रोलैक्टिन क्या करता है, देखिए प्रोलैक्टिन जो है वो मिल्क ग्लैंड्स की डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है, ठीक है. सो कंट्रोल्स डेवलपमेंट ऑफ द मिल्क ग्लैंड्स, ठीक है. देखिए प्रोलैक्टिन, लैक्टिन जहां पे आ गया समझ लीजिए मिल्क है, ठीक है. तो प्रोलैक्टिन इसे आप याद कर सकते हैं क्योंकि मिल्क में क्या होता है, लैक्टोज होता है, ठीक है. सो प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन क्या करता है, वो मिल्क ग्लैंड्स की डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है, ठीक है. फिफ्थ हार्मोन जो ये रिलीज करता है वो करता है ACTH. ACTH क्या होता है, दिस इज द एड्रिनो कॉर्टिको ट्रोपिन, ठीक है. ACTH एडिनो कॉर्टिको ट्रोफिन हार्मोन, ये क्या करता है, देखिए जो एडिनो कॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन जो है वो जो हार्मोन्स की सिक्रीशन होती है ना, कहाँ से, एडर्नल कॉर्टेक्स से, एडर्नल कॉर्टेक्स से, एडर्नल कॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन, ठीक है. इट स्टिमुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स, किसकी, ऑफ द एडर्नल कॉर्टेक्स, ठीक है. स्टिमुलेट्स, देखिए नाम में ही जो है वो ग्लैंड्स का यू नो नाम इसमें छुपा होता है जितने भी हार्मोन्स हैं, तो इनको आप कोरिलेट करके इजीली लर्न कर सकते हैं. इट स्टिमुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ ऑफ हार्मोन्स, ठीक है, ऑफ एड्रेनल कॉर्टेक्स, ठीक. अभी एक और हार्मोन रिलीज करता है, ठीक है, जो होता है थायरोट्रोफिन, राइट. इट इज थायरोट्रोफिन, ठीक है. देखिए थायरोट्रोफिन क्या करता है, ये थायरॉयड हार्मोन्स की सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है, ठीक है. इट स्टिमुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ थायरॉयड हार्मोन्स, राइट. स्टिमुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स, क्लियर, ठीक है. ये देखिए पिट्यूटरी का एंटीरियर लोब जो है वो कहाँ पे इसकी लोकेशन होती है, बीनीथ द ब्रेन, ठीक है. और ये सिक्रीट करता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, सोमैटोट्रोफिन, प्रोलैक्टिन, एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिन, थायरोट्रोपिन, राइट. अब देखिए एंटीरियर लोब की हमने बात कर ली, अब हम करेंगे इंटरमीडिएट लोब की. पिट्यूटरी में जो इंटरमीडिएट लोब होता है, इंटरमीडिएट लोब, ठीक है. सो इट इज प्रेजेंट बीनीथ द ब्रेन, ठीक है. और ये क्या रिलीज करता है, इट रिलीजेस मेलेनोसाइट, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है. मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में MSH कहते हैं, ठीक है.
melanocyte stimulating hormone, right? देखिए जो melanocyte stimulating hormone है ये क्या करता है, देखिए melanin, melanin एक पिगमेंट होता है, ठीक है, हमारी जो स्किन है उसमें क्या होता है, उसमें melanin प्रेजेंट होता है और melanin रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द स्किन कलर, ठीक है। तो ये क्या कंट्रोल करता है, ये स्टिमुलेट करता है किसको, इट कंट्रोल्स द कलर ऑफ द स्किन, ठीक है। सो melanocyte stimulating hormone क्या करता है, इट कंट्रोल्स द स्किन कलर, राइट। क्योंकि melanin pigment जो होता है वो क्या होता है, वो स्किन को, स्किन की जो हमारा कलर है वो, इट इज बिकॉज ऑफ द melanin pigment, राइट, ठीक है। देखिए थर्ड आता है, एंटीरियर हो गया, इंटरमीडिएट हो गया, अब हम करेंगे पोस्टीरियर लोब, ठीक है, पोस्टीरियर लोब, ठीक है। और देखिए जो पोस्टीरियर लोब होता है ना, ये हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स को रिलीज करता है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, इट रिलीजेस हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स, क्लियर। ये जो सबसे पहला हॉर्मोन जो रिलीज करता है वो होता है ऑक्सीटोसिन, ठीक है। ऑक्सीटोसिन क्या होता है, देखिए ऑक्सीटोसिन जो है हम जब 12th क्लास में जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर आप इसकी डिटेल कवर करेंगे ऑक्सीटोसिन की, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है ये भी, ठीक है, जो क्या करता है, ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को हेल्प करता है, ठीक है। इट रेगुलेट्स द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एज वेल एज इट आल्सो रिलीजेस द मिल्क, ठीक है। क्या करता है, इट रेगुलेट्स द, इट रेगुलेट्स द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, joint contractions and release of milk, clear। एक और हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है वैसोप्रेसिन, 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 वैसोप्रेसिन क्या करता है, देखिए ये कई बार क्या होता है, जैसे होता है ना कई बार 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 अगर यूरिन जाते हैं तो उसमें क्या होता है भाई, अगर यूरिन बहुत ज़्यादा होगा और पानी का जो इंटेक है, जो वाटर इंटेक है वो कम होगा तो क्या होगा, बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाएगा, पानी का लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो वैसोप्रेसिन क्या करता है, ये यूरिन के अंदर जो पानी का लॉस बहुत कम करता है, ठीक है, इट रिड्यूसेस loss of water in urine, ठीक है, यूरिन में वाटर का लॉस जो है वो उसको रिड्यूस कर देते हैं, क्लियर, राइट। देन कम्स योर थायराइड, थायराइड, ठीक है, इस टर्म से बहुत फैमिलियर है, और ये कहाँ पे है इसकी लोकेशन, एट द फ्रंट ऑफ द लैरिंक्स, ठीक है। और ये रिलीज क्या करता है, ये रिलीज करता है थायरोक्सिन हार्मोन को, ठीक है, इट रिलीजेस द हार्मोन थायरोक्सिन। और देखिए थायरोक्सिन क्या करता है, अगर हम बात करें थायरोक्सिन की, तो ये रेगुलेट करता है जो फूड का जो ऑक्सीडेशन होता है, इट रेगुलेट्स द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, राइट। सो रेगुलेट the regulate the oxidation of food, ठीक है, food की oxidation को regulate करते हैं, as well as
कई बार क्या होता है, इसकी एक्सेस से अगर थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो एक्सेस में रिलीज हो रहा है तो इट कॉजेज दी एक्सोथाल्मिक गॉइटर. ठीक है, एक्सेस कॉजेज एक्सोथाल्मिक गॉइटर. गॉइटर तो पता है आप लोगों को. ठीक है, गॉइटर कैसे होता है, आयोडीन की कमी से अगर हम खाने में आयोडीन जो है वो प्रॉपर नहीं ले रहे हैं तो उससे क्या होता है, गॉइटर हो जाता है. और हिंदी में उसको घेंगा भी बोलते हैं, जो गले पे स्वेलिंग जो पोर्शन आ जाती है ना, काफ़ी ऐसे स्वेलिंग पोर्शन आ जाती है जो नेक पे आ जाती है. ठीक है, दिस इज दी गॉइटर. राइट, अगर हम बात करें अब पैराथायरॉइड की. ठीक है, देखिए पैराथायरॉइड की अगर बात करें तो इसकी जो लोकेशन होती है वो थायराइड ग्लैंड के बैक में होती है. ठीक है, बैक ऑफ थायराइड. ठीक है, ये क्या रिलीज करता है, ये पैराथॉर्मोन. ठीक है, ये क्या रिलीज करता है, पैराथॉर्मोन. ये रिलीज करता है पैराथॉर्मोन. ठीक है, ये पैराथॉर्मोन जो रिलीज करता है इसका क्या फंक्शन है होता है, ये रेगुलेट करता है. ठीक है, जो बैलेंस बनाता है किसमें, कैल्शियम फॉस्फोरस बैलेंस बनाता है ब्लड के अंदर. ठीक है, कई बार होती है ना डिफिशेंसी हो जाती है. ठीक है, जैसे क्रैम्प्स आ जाते हैं, कन्वल्जन्स आ जाते हैं, वो किस लिए आ जाते हैं, क्योंकि वो वीक जो होते हैं ना बोन्स, अगर बहुत एक्सेसिव वीन्स हो जा वीक हो जाती है, अगर हड्डियाँ बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं तो बहुत ही कम उसमें यू नो बहुत मतलब क्रैम्प्स आ जाते हैं, कन्वल्जन्स आ जाते हैं. ठीक है, तो इट रेगुलेट्स दी कैल्शियम फॉस्फोरस. ठीक है, बैलेंस इन द ब्लड. ठीक है, उसके बाद आते हैं थाइमस. थाइमस कहाँ प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट नियर द हार्ट. ठीक है, ये रिलीज क्या करता है, इट रिलीजेस थाइमोसिन. ठीक है, ये कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा, थाइमोसिन रिलीज करेगा. और ये थाइमोसिन क्या करता है, ये रेगुलेट करता है. ठीक है, ग्रोथ को, ये क्या करता है, रेगुलेट करता है ग्रोथ को. और देखिए जो लिम्फोसाइट्स की जो प्रोलीफरेशन होती है उसको स्टिमुलेट करता है. ठीक है, इट रेगुलेट्स ग्रोथ राइट एंड stimulates proliferation of lymphocytes. ठीक है, थाइमस जो है देखिए वो बहुत जल्दी मतलब यू नो वो सेक्सुअल मैच्योरिटी की बहुत जल्दी यू नो ग्रो अप करवाता है इंडिविजुअल में. ठीक है, के बाद आ जाते हैं एड्रिनल कॉर्टिक्स. ठीक है, फर्स्ट में आ जाते हैं कॉर्टिक्स, क्योंकि इसके दो पार्ट्स होते हैं ना, कॉर्टिक्स एंड द मेडुला. ठीक है, ये कहाँ पे होते हैं, देखिए किडनीज के टॉप में होते हैं. राइट, ऑन टॉप ऑफ किडनीज दीज आर प्रेजेंट. राइट, जो कॉर्टिक्स जो हार्मोन रिलीज करता है वो रिलीज करता है ग्लूकोकॉर्टिकोकॉइड्स. ठीक है, अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल होता है कॉर्टिसोल. ठीक है, अब देखिए कॉर्टिसोल है तो क्या कर रहा है, ये कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स और प्रोटीन का जो मेटाबॉलिज्म है उनको ये रेगुलेट करता है. ठीक है, इट रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स एंड प्रोटीन्स. क्लियर, ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भी सिक्रीट कर रहा है.
अब ये सिक्रीट कर रहे हैं, मिनरल कॉर्टिकॉइड्स भी सिक्रीट कर रहे हैं, जो मिनरलो कॉर्टिकॉइड्स होते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल आ जाते हैं जो एल्डोस्टेरोन होता है, वो क्या होता है, वो एक मिनरल कॉर्टिकॉइड होता है, ठीक है। अब देखिए जो मिनरल कॉर्टिकॉइड्स होते हैं, जो एल्डोस्टेरोन जो होते हैं, वो कंट्रोल करते हैं वाटर को और उसकी सॉल्ट की मेटाबॉलिज्म को, ठीक है। और जैसे जो, क्योंकि कई बार क्या होते हैं बॉडी जैसे जो डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो उसमें क्या होता है, उसमें लोस्ट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट होता है ना, ठीक है। तो वो उसका पीएच भी मेंटेन करती है और उसकी वो मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करती है और उनकी डेफिशिएंसी को भी कंट्रोल करती है, ठीक है। सो कंट्रोल सॉल्ट एंड वाटर मेटाबॉलिज्म, ठीक है, ऑल्सो इट्स डेफिशिएंसी, ऑल्सो इट्स डेफिशिएंसी, ठीक है। अब देखिए आ जाता है मेडुला, मेडुला, ठीक है। मेडुला रिलीज करता है एड्रेनालिन को, एड्रेनालिन, ठीक है। ये क्या करता है, अब देखिए मान लीजिए एकदम से अगर हम रेडी नहीं और एकदम से अचानक से हमारे सामने कोई इवेंट होता है, तो हमारी बॉडी में कई बार होता है ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, एक एड्रेनालिन रश होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, इट वेप अप मेटाबॉलिज्म इन दी इमरजेंसी, ठीक है। वो क्या करता है, वो बॉडी को जो हार्ट बीट होती है उनको वो इंक्रीज कर देता है, ब्लड प्रेशर को भी इंक्रीज कर देता है, ठीक है। और उससे क्या होता है, जो हमारा रेस्पिरेशन रेट है वो भी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। सो इट विप अप द मेटाबॉलिज्म, ठीक है, इन इमरजेंसी, ठीक है। उस सिचुएशन को कॉप अप करने के लिए क्या होता है, हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म होता है वो उसके इट एक्ट्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, और उसी के अकॉर्डिंग जो है हमारी बॉडी में, अगर मान लीजिए वी आर फीलिंग सफोकेशन, ठीक है, हमें सफोकेशन हो रही है, सांस नहीं आ, तो हमारा हम क्या है, बहुत लंबे लंबे सांस लेना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। बहुत हमारी बॉडी क्यों, वो लंबी सांस क्यों लेते हैं, ताकि जो ऑक्सीजन की जो डेफिशिएंसी हमारी बॉडी को फील हो रही है वो उसको कॉप अप कर पाए, ठीक है। इमरजेंसी बाय इंक्रीजिंग क्या करेगा, वो हार्ट बीट को इंक्रीज करेगा, हार्ट बीट, ठीक है, ब्लड प्रेशर, राइट, ब्लड प्रेशर, और जो हमारा रेस्पिरेटरी रेट है, और ब्लड में जो है उसका, ब्लड का जो शुगर लेवल है, ब्लड शुगर लेवल, ठीक है, राइट। इट ऑल्सो सिक्रीट्स नॉर्डेनर्जी। सो दिस कंप्लीट्स द हार्मोनल पार्ट, ठीक है। आज हमने इस लेक्चर में डिस्कस किए कि कौन कौन से ऐसे ग्लैंड्स हैं, ठीक है, जो हार्मोन को रिलीज करते हैं, उनका वो प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, ठीक है, उनकी लोकेशन क्या है, वो कौन सा हार्मोन रिलीज कर रहे हैं, और उस रिलीज हार्मोन का फंक्शन क्या है, राइट।